इसको डालेंगे जी इस गर्म पानी में। ये देखें इसमें डिप कर देंगे। शुरू हो चुका है तो अभी छुरी की मदद से कर लें या हाथ से इस तरीके से कर लें। अभी मैं चले जी ये डाल दिया जी मैंने बोल में और ये है इसकी असल लुक। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? सब मेरे साथ ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही थी ओजड़ी की रेसिपी। मैंने मंगवाई है जी ओजड़ी और इसकी जो सफाई है ना वो किस तरीके से होगी। इधर रख लिया जी मैंने पानी उबलने के लिए, बॉयल कह लें उबलना कह लें जो भी कह लें जी, वो रख लिया है देश की मैंने। तो ये हो चुका है जी, ये देखें बॉयल जो है ना इसका आने वाला है। तो अभी चूल्हा कर देते हैं जी बंद इस गर्म पानी में। ये देखें इसमें डिप कर देंगे तकरीबन पाँच मिनट इसको डिप करेंगे तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना ये उतरना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसकी अच्छी तरह से सफाई करके ना अच्छी तरह से भी ये नहीं करना कि मगरों लाना है, अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है। तो फिर इसको जो है ना काटते हैं। मैं अभी ये देखें जी सिर्फ 5 मिनट भी जो है ना मेरे ख्याल से नहीं हुए तो अभी जो इसका ये जो है ना मांस ऊपर वाला ये उतरना शुरू हो चुका है। तो अभी छुरी की मदद से कर लें या हाथ से इस तरीके से कर लें। अभी मैं जो है ना इसकी सारी सफाई करती इस तरीके से। चलें जी सफाई करती हूँ पहले इसकी। ये देखें जी ओजड़ी की हो गई है जी सफाई। इसका वो मैंने रगड़ा मार मार के इसको किया ना, वो रगड़ा किया ना इसके साथ मैंने 2-4 हाथ मैंने इसके साथ किए वाह भाई। और ये देखें जी साफ सुथरी हो गई। अभी इसको डाल देते जी प्रेशर कुकर में। तो डाल देते हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 से 1.5 चम्मच। ये देखिए मैंने भर के डाल दिया तकरीबन ये 1.5 चम्मच जितना। तो 4 अदद प्याज ठीक हो गया और 1 बड़ा टमाटर छिलके शक से इस तरह से आप उतार भी लें क्योंकि मैंने किए थे फ्रीज़र। तो इस तरह से छिलके जो है ना आसानी से उतर जाते हैं। देखिए यहाँ से उतर जाते हैं छिलके, ना भी उतारे तो कोई मसला नहीं है। बस मैं थोड़े से उतार रही हूँ, उतर गया था हाथ लगाते ही तो मैंने सोचा जी चलो मैं उतार ही देती हूँ क्योंकि ठंडे हुए हैं काफ़ी तो उतर जाती है आसानी से। डाल देते जी इसमें मसाले। सबसे पहले डालोगे जी नमक, हसबी सूरत आप जितना डालना चाहते हैं, अजवैन और सूरत मिर्च। थोड़ी स्पाइसी बना रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा डाली मैंने, और सूखा धनिया वो डालेंगे जी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर वो डाल देंगे जी, गरम मसाला भी सारा ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे जी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इतना पानी और इसको छोड़ देते हैं जी आधे घंटे के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए गलने के लिए। तो फिर इसकी लगाते हैं जी भुनाई। अच्छा जी लोग कहते हैं ये ना मुकरू होती है ना ओजड़ी, तो बताइएगा कि ये बात झूठी है कि सच है कि ये मुकरू क्यों है। कि अगर बकरे के पाए खा सकते हैं हम, सिरी खा सकते हैं, तो हर चीज़ जो है ना खाई जा सकती है। जैसे वो कहते हैं ना वो हमें छुटा खा लेते हैं, ओजड़ी क्यों मुकरू है? अगर किसी को इस बात का पूरा पता है तो ज़रूर बताइएगा कि ये मुकरू क्यों है। अभी ये देखें जी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो ली जो थी गल चुकी थी। अभी इससे 10 या 12 जो है हरी मिर्च साबुत वाली वो मैंने डाल दी है और वो इसमें डाल दूँगी जी काली मिर्च भी। चलो जी ये डाल दी मैंने काली मिर्च भी। तो अभी ज़्यादा तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है ना डाल देते इसमें ऑयल, क्योंकि ऑयल या घी कुछ भी आप डालें ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि अच्छी लगती है ना ऐसा। तो इसी तरीके से इसके लगाते हैं जी भुनाई। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी अगर देखती हूँ ऐड करना है ताकि इसमें मैंने रखनी है इसकी, मैं पहले भुनाई लगा लूँ। चलो ये देखें जी ओजड़ी की जो है ना भुनाई तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने लगाई है। तो पानी इसको मैं डाल रही क्योंकि इसके बाद जो है ना खानी है तो अभी निकालती हूँ इसकी बोल में। तो इसकी जो असल लुक है ना, चले जी ये डाल दिया जी मैंने बोल में और ये है इसकी असल लुक। ये जो ओजड़ी बनाई है ना आज की मैंने रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी तो ओजड़ी ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई भी कीजिएगा और मज़े मज़े से खाइएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।